आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप आज यहाँ समय निकाल के आए हैं. इट मीन्स अ लॉट टू द मुकेश फैमिली, इट मीन्स अ लॉट टू द मिराज फैमिली, इट मीन्स टू अ लॉट टू ऑल ऑफ अस. स्पेशली एज अ ब्रदर इट मीन्स अ लॉट के आप यहाँ नमन को इतनी इज्जत, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और इतना ही प्यार दे रहे हैं. उसके लिए बेहद शुक्रिया अदा मैं आप सभी का करना चाहूँगा. रहा सवाल आपका, जवाब आपके सवाल का, तो ये कहानी लिखी गई थी ये सोच के कि आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही उठपटांग करना चाहते हैं ताकि उन्हें सीरियसली लें. तो जब मेरे जहन में ये कहानी आई थी तो मुझे लगा कि पहली बात तो इंडियन सिनेमा में ऐसा कोई जॉनर अभी तक आया नहीं, और क्योंकि इतना पॉपुलर जॉनर है एक होम इन्वेजन का, उसे हम ज़्यादातर एक्सप्लोर नहीं कर पाते अच्छे से. और थ्रिलर एक ऐसा जॉनर है जो कि इसके दर्शक हमेशा बहुत ज़्यादा फैंस रहते हैं. और मेरा मानना है कि अगर आपने एक अच्छी फिल्म बनाई है, एक अच्छी थ्रिलर बनाई है, उसके लिए ऑडियंस हमेशा है. तो इस वजह से ये बाईपास रोड लिखी गई थी. और उससे साथ साथ जुड़ा एक सवाल मुझसे लोग पूछते थे कि आपको कैसी फिल्म अच्छी लगती है. तो मैंने कहा कि इससे अच्छा कि मैं बताऊं कि मुझे कैसी फिल्म अच्छी लगती है और करना चाहता हूं एक्सेट्रा, तो मैंने फिल्म लिखी ली. तो आई थिंक दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई थॉट, तो फिर एक दिन नमन के साथ बातचीत हो रही थी और नमन ने कुछ आइडियाज़ दिए. बिजॉय नाम्बियार जी के साथ असिस्टेंट रह चुके हैं, अब्बास भाई मस्तान भाई के साथ असिस्टेंट रह चुके हैं, दोनों ही इस जॉनर के यू नो उम्दा निर्देशक हैं. तो मैं बात कर रहा था नमन से और नमन के आइडियाज़ मुझे लगे कि शायद भाई अगर ये अग्री करे कि मुझे उस समय तो नहीं मैंने सोचा था कि मुझे कास्ट करेगा, मगर मैंने ऐसे ही सोचा कि अगर नमन डायरेक्ट करे तो इट डेफिनेटली मेट यू नो टू हैंड्स कम टुगेदर. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप आए. मेरे बच्चों को आशीर्वाद देते रहिएगा हमेशा. मुकेश परिवार, मेरे पूज्य पिताजी के वंशज हैं ये, और हमारा प्रयास रहा है कि हमेशा हम आपका मनोरंजन कर सकें, चाहे किसी क्षेत्र में संगीत हो, अभिनय हो या अब निर्देशन हो. ये बहुत भावुक क्षण है मेरे लिए. मेरे दो दो बेटे और दोनों एक साथ में संग में काम कर रहे हैं. मेरे बड़े बेटे ने एक पिता का कर्ज फर्ज अदा किया है, अपने छोटे भाई के संग काम करके उसकी पहली फिल्म में. मगर हम सब मुकेश परिवार मिलके आभारी उनके हैं जो आज बहुत शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं. और जैसे नील ने उनके परिचय में कहा कि उन्होंने नील को और नमन को इस वजह से पूरा खुला हाथ दिया कि फिल्म ऐसे बनाओ जैसे कि जो जो जी में आए करो और जिस तरह आप चाहो, इस क्रिएटिविटी में मेरा कोई दखल नहीं रहेगा. और वैसे इंसान ने ये इसलिए किया कि उनको मेरे पूज्य पिताजी के लिए बेहद प्यार और स्नेह है. हम बहुत गर्व करते हैं कि हमारा नाम मुकेश जी से मिला है. और मेरी प्रार्थना आज रहेगी और आप सब से ये प्रार्थना रहेगी कि हमें आशीर्वाद दें कि ये नाम आगे जन्मों तक चलता रहे. यूं ही मेरे बच्चे, उनके बच्चे भी इस नाम को रोशन करते रहें. मदन भैया, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ. मेरे बच्चों को आपने इतना मौका दिया और जैसे जितने खूबसूरत सारे स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक ने अभिनय जो किया है. मैंने भी आज तक फिल्म नहीं देखी है, तो मेरे लिए इट इज़ जस्ट एज इमोशनल अ मोमेंट एज द वन सिटिंग नेक्स्ट टू मी.
the mother of my children. We are both very emotional today. We are very happy that all of you here. Please pray and bless my children. God bless you. And thank you, young man, for giving me this honor and pleasure. Thank you. God bless you. I think we are really lucky to have a good working rapport because I've worked with him before. So even while we were in the writing stages and everything, we had a certain decorum. Yeah. You know, ab bhaichara ghar pe and kaam ke time pe kaam. You know, so even on set, we had that decorum. Yeah. We are not brothers. Yeah. We don't have that, how do I say it? We don't have that bond on set. Hmm. Back up hua, we are back to brothers. Hmm. So when it comes to pressure, yes, of course, we have to, I mean, we are like hand in glove. So we always are on the same page. We have the same ideas. So there's never been any interference as such. Yeah. It's just that I find it very lucky for myself that my hero is also the writer. Yeah. So he knows exactly what to do at what time. Hmm. And probably even explain to the actors. Right. Since it's my first film, I had that as a backbone for myself. So I'm really lucky that I got that.